हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी। उस कहानी है एक गांव की जिसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक फेज़ है, डेमोक्रेसी एक गांव है जिसमें सब लोग जो हैं वो किसकी सुनते हैं, लोगों की। जो रूल करता है वो भी, और जो रूल नहीं करते हैं यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी। उनकी अल्टीमेट पावर कौन है, लोग। जो लोग कहते हैं, जैसा लोग चाहते हैं वैसे ही सरकारें चलती हैं। इस गांव में, डेमोक्रेसी नाम के गांव में, कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आसपास के गांव में ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सब देशों में, सब गांवों में डेमोक्रेसी है या नहीं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डेमोक्रेसी और बिना दूसरे गांव में डिफरेंशिएट कर सकते हो? कैसे आपको पता चलेगा कहां पर प्रजातंत्र, गणतंत्र है और कहां पर नहीं है? इसलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास की ऐसी ऐसी चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं कि आसपास के जो गांव हैं जो कहते हैं कि हम भी डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी वाले गांव के आसपास कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं। उनके कंपैरिजन में, डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए सबकी चुगली करते हैं बैठकर। अब हम चलते हैं ऐसे गांव की तरफ जिसमें क्या है, जिसमें हैं बहुत सारे लोग। आसपास के लोग, गांव कहते हैं कि हम भी कैसे देश हैं, हम भी डेमोक्रेटिक देश हैं, हम भी बिल्कुल उस गांव जैसे हैं जिस गांव के बारे में सब लोग कहते हैं ये तो डेमोक्रेटिक देश है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है डेमोक्रेसी में। दो लोग गांव में बात करते हैं। गांव में बात करने वाले लोग कहते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक होना सिर्फ यही है कि हम अपनी सरकार को खुद चुने? क्या इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करती है? तो दूसरा एक, दोनों दोस्त जो बात कर रहे थे उस, वो कहते हैं डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार, इस कॉल्ड डेमोक्रेसी, उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। ये बात किसने कही? अमेरिका के एक बहुत महान प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन, उन्होंने ये बात कही है। अब हम पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब हम हाथ, एक हाथ को देखते हैं तो हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? पांच। कितनी उंगलियां होती हैं? पांच। अगर इस हाथ में पांच उंगलियां हैं, अगर मैं ये कह दूँ सिर्फ हाथ है, तो आपको क्या पांचों उंगलियों के बारे में पता चला? नहीं पता चला। जब नहीं पता चला तो अब हम इसको एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल। जो आप पर राज करने वाले लोग हैं उनको कौन चुन रहा है? उनको आप और मैं चुन रहे हैं, आम आदमी चुन रहा है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो डिफ़ाइन करेगी? क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं, जैसे मैंने कोई कपड़ा ख़रीदा है और घर आने के बाद मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये कपड़ा मुझे आएगा कि नहीं। अच्छा कपड़ा है, लेकिन क्या मैं इसको फिट कर पाऊँगी कि नहीं? क्या ये गर्मियों में अच्छा रहेगा? क्या ये सर्दियों में अच्छा रहेगा? क्या इसकी स्टिचिंग प्रॉपर है? क्या इसके धागे निकले? बहुत चीज़ें आपके जहन में आती हैं। ऐसे ही डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जो डेमोक्रेसी के स्टैंडिंग पिलर्स हैं, डेमोक्रेसी जिन खंभों पर खड़ी है, वो खंभे क्या हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं। अब चलते हैं कि सिंपल डेफिनेशन हो गई कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द रूलर्स आर इलेक्टेड पीपल। प्रजातंत्र या गणतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जो आप पर राज करने वाला है वो आप चुनोगे। कई देशों में, जैसे कि चिली नाम का गांव है, उस गांव में क्या है, एक ही आदमी है जो राजा बनता है, उसके बाद फिर और दूसरा राजा बनता है, फिर उसके बाद दूसरा और राजा बनता है। चिली में राजा नहीं बनते हैं, चिली में कौन बनता है राजा? यहाँ पर चिली नाम का देश है, चिली नाम के देश में जो सेना होती है, जो देश की रक्षा के लिए बनाई जाती है, वही लोग क्या बन गए हैं वहाँ पर? रूलर बन गए हैं। उन्होंने ही वहाँ पर, अब कई देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी होती ही नहीं, जैसे कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश था, उस पर क्या हुआ था? उस पर जो वहाँ की सेना थी, जो वहाँ की आर्मी थी, उसी ने कब्ज़ा कर लिया था। तो वहाँ पर क्या डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। चिली नाम का एक देश है छोटा सा, वहाँ पर क्या हुआ है? एक डिक्टेटर बैठा है, पिनोचे, जो कि वही राजा बनता है हर बार। तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं है। अब सऊदी अरेबिया में जो राजा हैं उनको क्या सरकार, हम लोग चुनते हैं, वहाँ के लोग चुनते हैं? नहीं, वो सिर्फ वहाँ का राजा है और उसका बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा बनता है
तो उसको क्या कहते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। अब सिंपल डेफिनेशन जो हमारे जहन में आई वो ये आई कि डेमोक्रेसी लोगों की सरकार होती है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए कैसे, अगर सिर्फ ऐसे ही बिना सोचे समझे कह दो कि वो देश या वो गांव डेमोक्रेसी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ों का आपको धीरे धीरे समझ आएगी। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस को कहेंगे डेमोक्रेसी और किस किस को कहेंगे नॉट, दिस इज़ नॉन डेमोक्रेटिक, ये प्रजातंत्र या गणतंत्र नहीं है। अब देखिए क्या क्या होता है डेमोक्रेसी में जो हमें अभी तक समझ में आया। सबसे पहले हमें समझ में आया डेमोक्रेसी हर एक इंसान को अधिकार देती है कि कौन उसके साथ काम करेगा और कौन उस पर राज करेगा। डेमोक्रेसी में अपने डिक्टेटर को खुद चुनना होता है, यानी कि अपने रूलर को आप खुद चुनते हैं। आपकी कैपेसिटी यानी आपका जो अधिकार मांगने का, आपका जो न्याय मांगने का अधिकार है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हर इंसान को न्याय का अधिकार बराबर होना चाहिए। डेमोक्रेसी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा बंधन है, एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको ऐसा इस तरीके से आपके देश चलना चाहिए ताकि जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही चलना चाहिए। अब क्या डेमोक्रेसी को के अंदर जो बीमारियां हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है? हाँ, डेमोक्रेसी की कमियों को डेमोक्रेसी से ही दूर किया जा सकता है, किसी और दवाई से नहीं। गोली चलाकर डेमोक्रेसी नहीं ली जा सकती, शोर मचाकर डेमोक्रेसी नहीं ली जा सकती, लेकिन कैसे ली जा सकती है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक तरीके से ही ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि जो डेमोक्रेसी नाम का गाँव है, यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके कारण इसको डेमोक्रेटिक कहते हैं और बाकी देशों में क्या कमियाँ हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स आई। पहली बात कि रूलर क्या होता है, हम पर राज कौन करता है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन कैसे होगा, सही होगा गलत होगा, लोग कहीं दबाव तो नहीं डालेंगे, और कौन से वो लोग हैं जो इस सरकार को, जो जिसको हम कहते हैं रूल्ड बाय पीपल, ये जो पीपल हैं ये कहाँ से आए, क्या सब लोग वोट डाल सकते हैं, क्या सब अपना अधिकार ले सकते हैं। और चौथा है किस तरीके की सरकार को हम डेमोक्रेटिक सरकार कहेंगे। यहाँ पर हमारे एक पड़ोसी का जिक्र हुआ है। हमारे एक पड़ोसी हैं पाकिस्तान में, परवेज़ मुशर्रफ। 1999 में जो वहाँ पर जनरल थे यानी कि आर्मी के हेड थे, उन्होंने क्या किया, देश पर कब्ज़ा कर लिया। 1999 में उन्होंने देश पर कब्ज़ा कर लिया। 2002 में उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने ये हक दिया है। 2002 तक तो वो मिलिट्री रूलर रहे, उसके बाद उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घोषित कर लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बनाए जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि अब उस देश में सिर्फ वो ही अगले 5 साल तक वो बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? प्रधानमंत्री। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी हुई? आप इसको समझिए। देखिए, लोगों को किसने चुना, उसको किसने चुना, उसने कहा कि लोगों ने मुझे चुना है। तो क्या जो लोगों ने उसको चुना है वो बात सही थी, या फिर आपने, उसने अपने मन से कहा कि लोगों ने मुझे चुना है? इसमें क्या दिक्कत आती है बेटा, कि डेमोक्रेसी में जो अधिकार होता है वो किस चीज़ का अधिकार होना चाहिए? फ्री एंड फेयर कंपटीशन का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का अधिकार होना चाहिए। अगर आपका, आप मिलिट्री से हो, आर्मी से हो, और पूरी आर्मी ने ही कंट्रोल कर लिया है हर चीज़ को देश में, और आप अपने आप ही कोई इलेक्शन करा लेते हो झूठा मूठा और कुछ अलग अलग नियम बना के उसको जीत जाते हो, तो क्या लोगों का जो इलेक्टोरल कंपटीशन था, जो इलेक्शन हुए वहाँ, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, क्या वो कैसी होनी चाहिए? फ्री और फेयर। अगर ना वो फ्री है, दबाव में है, ना वो फेयर है, यानी उसमें चीटिंग हुई है, तो फिर हम उसको क्या नहीं मानेंगे, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम उसको कभी भी डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। क्या हुआ था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, वहाँ पर राज करने वाले लोग थे, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया, स्टेट्स में और जो छोटे छोटी जगहें थी वहाँ पर क्या करा दिया, वहाँ पर इलेक्शन करा दिए, और फिर उन लोगों पर इलेक्शन जो कराया कर जिताया गया जिन लोगों को, वो भी परवेज़ मुशर्रफ के ही
वो थे शागिर्द थे, वो उन्हीं के पढ़ाए हुए लोग थे, और उनसे ये कहा गया था कि तुम्हें इलेक्शन जीतने के बाद मुझे ही राष्ट्रपति बनाए रखना है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, वो जहाँ की जो किताब होती है जो संविधान कहते हैं जिसे, जिसमें ये लिखा होता है कि आपके देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसको भी उन्होंने क्या किया, उसको भी उन्होंने बदल दिया। इससे क्या हुआ कि जो इलेक्शन हुए वो ना फ्री हुए ना फेयर हुए। अब ना फ्री हुए ना फेयर हुए, ऐसे इलेक्शन में क्या आप उसको डेमोक्रेसी मानेंगे? नहीं मानेंगे। हमें पहली फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, पहली फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है कि जो पहली फैसला लेने की ताकत है, जो अल्टीमेट फैसला लेने की ताकत है, वो किस में होनी चाहिए? लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, हर एक कस्बे गांव शहरों से कुछ लोग चुने गए और उन लोगों के ऊपर एक चुना गया इंसान, और जो ये इंसान चुने गए थे ये भी सही तरीके से नहीं चुने गए थे। तो जहाँ जो ऊपर राजा बैठा था, जिसको राजा बनाया गया था, वो भी किसकी मान रहा था? वो इन्हीं की मान रहा था, और ये इसकी मान रहे थे। लेकिन लोग कहाँ गए? वो लोग कहाँ गए? करोड़ों लोग, जिन लोगों का हक है अपने देश में रहने का, लेकिन उनकी बात सुनाई नहीं की गई, उनकी बातों को इग्नोर किया गया। इसलिए डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर फाइनल डिसीजन, जो पावर है फाइनल कि आप फैसला करेंगे, वो उस इंसान के पास होनी चाहिए जिसको उन्होंने चुना है, उसके पास नहीं जो इन लोगों ने मिलके चुना है। यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। मैंने तुम्हें बनाया मॉनिटर, लेकिन तुमसे ऊपर भी एक और मॉनिटर अगर आके बैठ गया तो तुम्हारे, मेरा तुम्हें मॉनिटर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? नहीं हुआ ना। मेरा, मैं तो उसी इंसान की बात सुनूंगी ना जिसको मैंने मॉनिटर बनाया है, या फिर जिसकी बात को हम लोग पूरी क्लास सुनने वाली है। लेकिन अगर वो मॉनिटर किसी और को मॉनिटर बना देता है तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल। यही पर, यहाँ पर वही चीज़ है, जिसको हमने चुना है, जिसको लोगों ने चुना है, उसी के पास डिसीजन बनाने की, फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए। अब ये हो गया पहला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये पहली बात। चलिए अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात कहती है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो, फ्री और फेयर, समझो इस चीज़ को। हमारा एक पड़ोसी है चाइना, उस पड़ोसी को क्या है, वहाँ पर हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी एक ही पार्टी है जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो इसी पार्टी का होता है। वो जो चुनाव लड़ते हैं लोग, वो सिर्फ़ एक ही पार्टी के होते हैं, सिर्फ इंसान बदलते हैं, उनके आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, उनका सोच नहीं बदलती है। गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनती है वहाँ? कम्युनिस्ट पार्टी की। यानी फ़ायदा क्या हुआ अगर हर बार बीजेपी या हर बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो? क्या तो हमें क्या, एक ही सरकार अगर चलती रहेगी तो कैसे इलेक्शन हुए? उस इलेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ? जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना की संसद है, उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसको चाइनीज़ में या मैंडरिन लैंग्वेज में बोलते हैं क्वांगो रेनमिन डेल्बियो दहाउई, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट को चुना जाता है, और प्रेसिडेंट के साथ साथ 3,000 मेंबर भी इलेक्ट किए जाते हैं। ये मेंबर्स, कुछ मेंबर्स इनमें आर्मी के होते हैं और कुछ मेंबर्स बाहर के सिविलियंस होते हैं, लेकिन जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे मेंबर्स को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की हाँ चाहिए होती है इलेक्शन लड़ने के लिए। चाइनी 2002-2003 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और जो छोटी मोटी पार्टीज थी, उन्होंने हमेशा ये एक अलाय बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, और वो गैंग बनाकर वही लोग हमेशा अपना अपना तरीके से वो उसको इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीकों को। अब सोचो अगर आपकी क्लास में ये ऐसा हो गया, अगर आपकी क्लास में कुछ गुंडे से, बदमाश से बच्चों ने ग्रुप बना लिया है, और हर बार मॉनिटर उन्हीं उस ग्रुप में से, उन 4-5 में से ही बनेगा जो लोगों को टीज़ करते हैं, बुली करते हैं, परेशान करते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ उसको चुनने का? नहीं फ़ायदा हुआ। इसलिए कहा गया है कि इलेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। हर एक इंसान को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। हर पार्टी और अलग अलग पार्टियों से अलग अलग मत के लोग आएं, इलेक्शन लड़ें, ताकि सही तरीके से सही सरकार का चुनाव हो सके। उसके बाद यहाँ जो जितनी भी सरकारें हैं, या फिर एक ही सरकार है, आपको पता है एक ही सरकार है, वो सरकार क्या करती है, ना वहाँ पर गूगल चलने देती है, ना वहाँ पर न्यूज़पेपर को आज़ादी है, न्यूज़पेपर अपनी मर्ज़ी से कुछ छाप सकें। हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। दूसरी पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया,
कोई अपोजिशन नहीं है, एक ही पार्टी राज करती है, ना कोई राइट्स की बात करेगा, ना कोई हंगामा होगा और ना ही कोई नए कानून बनेंगे जिससे डेमोक्रेसी हो सके। जब ऐसा होगा तो क्या आप इसको डेमोक्रेटिक सेटअप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि पहला था जो आपके रूलर हैं वो आप डायरेक्टली चुनेंगे, जो आपको रूल करेगा उसको आप डायरेक्टली चुनेंगे। और दूसरा फीचर आता है डेमोक्रेसी का ये कि डेमोक्रेसी हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए, जहां पर हर एक पार्टी को जीतने का और हर एक पार्टी को हारने का पूरा पूरा चांस हो। लेकिन अगर एक ही पार्टी हर बार इलेक्शन लड़ेगी तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब आता है दूसरा, पहला और दूसरा रूल हम पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं तीसरे रूल पर। तीसरा रूल कहता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। सोचो अगर तुम करोड़पति हो और तुम्हारा वोट 10 आदमियों जितनी वैल्यू रखता है, अगर तुम्हारा वोट 10 आदमियों जितनी वैल्यू रखता है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट, जो सेकंड और फर्स्ट स्टेट के लोग थे उन लोगों की वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इनकी वोट की वैल्यू नहीं थी। तो जब ऐसा होता है, जब हर एक इंसान जो देश का हिस्सा है उसकी वोट को वैल्यू नहीं मिलती, तो वो लोग जीत जाते हैं ग्रुप बनाकर जो एक तरफा होते हैं, यानी कि जो बाकी बचे लोग हैं जिनकी वो जिनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन वोट की वैल्यू कम है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। 2015 तक बेटा सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, 2015 में उनको वोट डालने का अधिकार मिला। यानी कि 2015 से पहले देश की आधी आबादी यानी कि देश की औरतें वोट नहीं डालती थी, यानी उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। उसके बाद एस्टोनिया नाम का एक पड़ोसी है, उसका क्या हुआ था, उसने रशियन माइनॉरिटी के जो लोग वहाँ रहते हैं, जैसे मान लो हमारे देश में माइनॉरिटी को अगर हम मना कर दें कि आप वोट नहीं डाल सकते, जो मेजॉरिटी लोग हैं एक धर्म के लोगों को हम मना कर दें कि वो वोट नहीं डाल सकते, तो क्या ये सही है? एस्टोनिया में ऐसा ही होता था, रशिया से आए हुए जो लोग थे, जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, उनको वोट डालने का अधिकार तक नहीं दिया जाता था। फिजी, फिजी भी एक देश है, फिजी में क्या हुआ था बेटा, जो इंसान वहाँ का है, लोकल है, वहीं का है, बाहर का नहीं है, उस इंसान की वोट की ज़्यादा वैल्यू है, और जो इंडियन वहाँ यहाँ से भाग कर गए हैं, जो इंडियन यहाँ से भाग कर क्यों गए हैं, इंडियन जो वहाँ रहते हैं माइग्रेट कर गए हैं, उन लोगों को वोट की वैल्यू कम थी। यानी कि हर एक इंसान की एक वैल्यू वन वोट नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या होता है, आप एक तरफ के लोगों की सुनवाई कर पाते हो और कुछ लोगों की सुनवाई नहीं करते हो, ऐसी कंडीशन में क्या डेमोक्रेसी होती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। डेमोक्रेसी की तीसरी कंडीशन कहती है हर एक अडल्ट सिटीज़न जो 18 साल की उम्र से बड़ा है, या कोई भी रूल, अगर वो 19 चाहें 20 चाहें, जैसा उनका संविधान कहता है, उनकी वोट एक होनी चाहिए और उस वोट की वैल्यू भी एक जैसी ही होनी चाहिए। ये है हमारी तीसरी डेफिनेशन, तीसरा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था डायरेक्ट रूल, जो आप पर रूल कर रहा है उस पर वो वही होना चाहिए जिसको आपने डायरेक्टली चुना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता था, दूसरा रूल था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सबको वोट डालें और सब इलेक्शन लड़ सके, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है इंडिया में। जैसे तीसरा कहता है हर एक वोट की, एक इंसान की एक वोट और उस इंसान की वोट की उतनी ही वैल्यू हो, ऐसा ना हो कि अमीर की वोट महंगी, अमीर की वोट की वैल्यू ज़्यादा और गरीब की वोट की वैल्यू कम हो जाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर है, एट लास्ट वन मैन वन वोट, क्योंकि जो जेल में है वो भी वोट डाल सकता है, जो बाहर है वो भी वोट डाल सकता है, जो कम कमा रहा है वो भी वोट डाल सकता है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो भी वोट डाल सकता है। अब हम आते हैं चौथे पिलर की तरफ, चौथा खंबा जिस पर डेमोक्रेसी खड़ी है, चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, गणतंत्र का चौथा हिस्सा। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, हर चीज़ को एग्जाम्पल से बताते हैं। जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1980 में, लेकिन वहाँ एक पार्टी आई जेनू पीएफ जो पार्टी थी, ये जो पार्टी थी इसके लोगों यही हमेशा राज कर रही थी, मतलब 1980 से और 2002 तक, ये लोग 2017 तक लगभग
ये लोग खुद ही राज कर रहे थे। एक ही आदमी था रॉबर्ट मुकाबे, वही देश पर राज करता था। उसने ऐसे ऐसे नियम बना दिए, वो खुद प्रेसिडेंट बन गया और उसने क्या किया, अपने हकों को बढ़ा लिया, अपनी ओहदे को बढ़ा लिया, अपनी पावर शक्तियां बढ़ाता गया, लोगों की सुनवाई कम होती गई। क्योंकि वो राष्ट्रपति था और देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो उसने अनफेयर मीन्स लगाए, गलत गलत तरीके लगाए, जिससे क्या हुआ, वो हर बार इलेक्शन गलत सही बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर इलेक्शन जीतता रहा। टीवी और रेडियो को बंद करा दिया वहाँ पर कंट्रोल की, तुम वही न्यूज़ दिखाओगे जो पार्टी के फेवर की होगी, अगर किसी और पार्टी की अच्छी न्यूज़ दिखाओगे तो आपको बैन कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर क्या था, प्रेसिडेंट था। ऐसी ऐसी घटनाएँ जब हुई तो गवर्नमेंट ने जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी, तो ये जब सब कुछ होने लगा तो किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी, फिर लोगों ने विद्रोह द्वारा, एक आंदोलन द्वारा 2017 में रॉबर्ट मुगाबे या जानू पीएफ पार्टी के इस नेता को 2017 में ऑफिस से हटा दिया। ये जो एग्ज़ाम्पल है इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए इससे कुछ चीज़ें पता चलती हैं। हमेशा कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए रूम होना चाहिए, पॉलिटिकल अपोजिशन होना चाहिए, हर एक पीरियड के बाद इलेक्शन होने चाहिए जो फ्री होने चाहिए, स्टेट को हमेशा सिटीजन्स के राइट का अधिकार होना चाहिए, लोगों को सोचने की क्षमता, सोचने की फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, अपने एक्शन लेने की फ्रीडम होनी चाहिए और सारी चीज़ों को सही करने की फ्रीडम होनी चाहिए। आप लोगों को अगर अधिकार नहीं देंगे, अगर लोगों के अधिकारों का हनन होता है तो उस डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे। तो हमारा जो नया पिलर ऑफ डेफिनेशन आया, अ डेमोक्रेटिक सेटअप में जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है वो कैसे काम करती है, वो कुछ बंधनों में काम करती है, हमेशा किस में काम करती है, बंधनों में, यानी कि आपके पास एक तरीका है काम करने का, आप उसी तरीके से काम करेंगे और उसी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन्हीं नियमों का पालन करेंगे जो नियम आपके लिए बनाए गए हैं, आप अपनी मर्जी से आउट ऑफ द वे जाकर कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर सड़क ऐसे जा रही है तो आपको ऐसे ही जाना है, आप ऐसे नहीं आ सकते हैं। ये है नेक्स्ट पिलर ऑफ डेफिनेशन। अब उसके बाद आते हैं, अब हम सम अप करते हैं इस लेसन को। अब हमने गांव की कहानी पढ़ी जिसको डेमोक्रेसी कहा गया, उस डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या होगा तो हम उसको डेमोक्रेसी मानेंगे, वो चीज़ों की समरी। हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली, यानी कि रूलर्स जो भी फैसला लेंगे, वो जो फैसला लेने वाले लोग होंगे वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इलेक्शन में फ्री एंड फेयर होने चाहिए, हर एक इंसान को अपना रूलर जो अभी है, जो पार्टी राज कर रही है, उसको चेंज करने की, उसको बदलने की शक्ति होनी चाहिए। ये जो शक्ति है ये हर इंसान के पास इक्वल बेसिस पर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और वो किस तरीके से काम करने वाले हैं या किस तरीके के अधिकार आपको मिलने वाले हैं और किस तरीके से सरकार काम करेगी, उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप ऐसे ही काम करेंगे। और हर सिटीज़न के पास राइट होने चाहिए, ये हमारे पास राइट होना चाहिए, ये हमारे हक हैं और ये सरकार का हक है कि सरकार कैसे काम करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, अब हम आगे देखते हैं इस जो डेफिनेशन थी सारी, इनको कैसे समराइज किया गया है। चलिए, क्या क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ पहली चीज़, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, अधिकारों के लिए रेस्पेक्ट, वन पर्सन वन वोट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री, जिसको हम डायरेक्टली एमपी चुनते हैं और एमपी क्या करते हैं, मिलकर एक एमपीओ में से एक को पीएम बना देते हैं, उसके पास सारी पावर्स हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट है जिसको हम नहीं डायरेक्टली चुनते हैं, उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि इसी तरीके से होना चाहिए। अब हम आते हैं